तरह तरह के इंसान और तरह तरह के इंसान की मनोदशा, तरह तरह के इंसान की खाने की अलग अलग भावना है। कोई खाने के लिए जीता है और कोई जीने के लिए खाता है। मैं तो भाई खाने के लिए जीता हूँ। आप किसके लिए जीते हो? पागल ही समझोगे ना मुझे। रात के पता है कितने बज रहे हैं? रात के बज रहे हैं अभी 12:11। डिनर भी कर लिया था लेकिन फिर भी भूख लग गई। पेट का क्या करूं, ऐसे नाम नहीं रखा पेटुक। लेकिन पेटुक के लिए वीडियो तो बना नहीं सक रहा था। तो भूख लगी, फिर से खाना पड़ेगा। ऑर्डर किया मैंने एक पंजाबी रेस्टोरेंट से। हाँ, मैंने ऑर्डर किया था अमृतसरी अमृतसरी छोले भटूरे, अमृतसरी छोले भटूरे। इसका भटूरा देखिए अभी भी गर्म है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और ये देखिए यहाँ पर अमृतसरी, यहाँ पर देखिए ये चटनी है। तो भूख लग गया तो खाना तो पड़ेगा ही। मज़ेदार। वाह वाह वाह, वाह। रात के 12 बजे छोले भटूरे। वाह वाह, भाई साहब स्वाद गजब का है, माँ कसम मानना पड़ेगा। जो ज़्यादा खाने की चपड़ चपड़ आवाज़ आपको नहीं आएगी क्योंकि माइक नहीं लगा रखा है। खाने का आनंद परमानंद की प्राप्ति हो रही है मुझे। कभी कभी मैं खाते खाते भूल जाता हूँ कि कैमरा मेरा ऑन भी है, तो कैमरा में देखना पड़ता है। मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं खाता दोस्तों, मैं मन से खाता हूँ।
धुआं उठ रहा, धुआं धुआं। भटूरा ही खत्म हो गया पहले, कोई बात नहीं, छोड़ा नहीं छोड़ना है। धुआं देख रहे, धुआं। जब कोई अच्छा खाना खाए, अच्छा खाना खाने के बाद कुछ देर शांत रहे और उसे फील करे जो आपने खाया, कसम से बता रहा हूँ खाना जो शरीर में लग जाएगा। मैं भी बड़ा अजीब हूँ, भूख लग गया 12 बजे मंगवा लिया, कंट्रोल नहीं होता मुझसे। तो कैसा लगा आप सभी को ये देखने में छोला भटूरा जो है अमृतसरी छोले के साथ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।